यदि हम में एज की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की एज जो है वो 35 ईयर रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी की है, ईडब्ल्यूएस की है, तो उनकी उम्र 38 उम्र यहाँ पर रखी गई है। बाकी कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जा रहा है। तो चलिए नोटिफिकेशन कहाँ से आया, सारी चीज़ें कंप्लीट में जो है वो हम जानेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, वैकेंसी कहाँ से आई है, कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ क्लास 6 टू 8 के लिए वैकेंसी यहां पर आप देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट में तीन तीन वैकेंसी हैं, तीन तीन टीचर्स की जो है यहाँ आवश्यकता है। क्लास 9 से लेकर 12 तक की अगर हम देखें तो यहाँ पर भाषा हिंदी और इंग्लिश के लिए 6, इसके अलावा साइंस में हम देखें तीन तीन वैकेंसी हैं, सोशल साइंस में 3 हैं और अर्थशास्त्र में 3 हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। तो ये वैकेंसी आई है कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा, गढ़वा से ये वैकेंसी है। और यहाँ 3 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय से वैकेंसी आई है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है कस्तूरबा विद्यालय में पहले संविदा के आधार पर यहाँ आपको रखा जाता है। यहाँ लिखा है कि पेमेंट आपको कैसे मिलेगा, तो 15,840 प्रति माह आप लोगों को 3 साल तक मिलेगा। उसके बाद जो है 3 साल की जो है आप लोग सेवा पूरी करेंगे और आपकी सैलरी में प्रति माह 50% की वृद्धि होगी। ठीक है, संविदा विस्तार अगर आप जो है आगे और भी पढ़ाना चाहेंगे और तो यहाँ पर जो है 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि दर जो है ये भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो सैलरी जो है वो आप लोगों की काफ़ी अच्छी रहने वाली है। गवर्नमेंट स्कूल है, वैकेंसी भी यहाँ पर हर सब्जेक्ट की आप देख सकते हैं, तीन तीन वैकेंसी जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की आप देख सकते हैं, तीन तीन वैकेंसी सभी सब्जेक्ट में आई हुई हैं जो भी आपको बताए हैं। वांछित अर्हता क्वालिफिकेशन जो है यहाँ क्या कही गई है, तो आप यहाँ ध्यान से देखें, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है 1 से 10 पर अंकित पदों के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 50% अंक के साथ जो है आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। 1 से 10 तक क्या, ये आप देख सकते हैं सीरियल नंबर जिसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो 10 तक जो है ग्रेजुएशन तो चाहिए कंपलसरी। उसके बाद लिखा है कि चयन में अगर आपके पास उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी, अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन ली हुई है, मास्टर डिग्री की है किसी सब्जेक्ट में, तो यहां पर आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में क्रम संख्या 6 से 10 के लिए अनिवार्य है बीएड। ठीक है, 6 से 10 के लिए अनिवार्य है बीएड एंड क्रम संख्या 1 से 4 हेतु मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड समकक्ष परीक्षा, अगर आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा भी किया है प्रारंभिक शिक्षा में, सॉरी प्रारंभिक शिक्षा में, तो भी आप यहां पर एलिजिबल हैं। अब हम देख लेते हैं 1 से 4 के लिए जो है, चाहे आपने, तो यहां पर जो है इन्होंने कहा है कि क्लास 6 टू 8 के लिए यहां पर स्नातक बीएड और साथ में टेट झारखंड सरकार के द्वारा क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रारंभिक शिक्षा में अगर किसी ने डिप्लोमा डिग्री किया है तो यहाँ हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टेट क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा आप देखें कक्षा 9 से 12 तक के लिए यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में बीएड ही चाहिए, बाकी और कुछ भी यहाँ पर नहीं मांगा गया है, ना ही कोई अनुभव मांगा गया है, ना ही कोई टैट मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए पीजीटी के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा आपको, सैलरी मैंने आप लोगों को बता ही दी है। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, पुरुष अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्यूनतम उम्र जो है 21 से 35 वर्ष है, फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी की चाहे ईडब्ल्यूएस की चाहे बीसी की 38 साल रहेगी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 37 ईयर है, SC ST मेल या फीमेल के लिए 40 ईयर है, PWD के लिए 10 साल की छूट है। अभी जो है यहाँ देखें आवेदन कैसे करें, तो यहाँ पर जो है 15 दिसंबर यानी आपके पास 3 दिन है अंतिम तिथि, यहाँ आप देखें 15 दिसंबर है, 5 बजे तक जो है आप लोग भेज दें जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड जिला परियोजना गढ़वा, विकास भवन बी समाहरणालय परिसर, प्रथम तल गढ़वा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन
पत्र और साथ में अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आप लोगों को सही से बिल्कुल भेज देनी है। तो ये जो है मेन वेबसाइट का लिंक है जहां आप लोगों को आवेदन पत्र और आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। क्या क्या लगाना है आप लोगों को? तो खुद के लिखे हुए 2 लिफाफे लगाने हैं आपको, सभी मार्कशीट, प्रमाण पत्र, आप फोटो कॉपी लगानी है आप लोगों को। अगर आरक्षित वर्ग का लाभ उठा रहे हैं, झारखंड के हैं आप, तो यहाँ जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जो है आप लगाएं, ठीक है, आरक्षण का फायदा लेने के लिए। ठीक है, तो ये जो है एक बालिका आवासीय विद्यालय है और जिनका भी चयन होता है तो उनको यहीं पर रहना होगा। सैलरी के साथ में जो है आप लोगों को रहने की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो है नोटिफिकेशन के नीचे नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मेन वेबसाइट पर आएंगे रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 4 नंबर पर है एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर इन झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय। ठीक है, यहाँ पर 15 दिसंबर लास्ट डेट है। व्यू पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, और ये डाउनलोड का निशान है, ये देखिए आप रेड कलर का देख रहे हैं, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इस पर जो है क्लिक करके आप लोग फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ओपन करके यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो ये फॉर्म है आप लोगों का, इसे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, फिल कर लेंगे और एड्रेस जो बताया है उस पर आप भेज देंगे समय से पहले, 15 दिसंबर से पहले। ठीक है, और 3 दिन में जो है पहुंच जाता है, स्पीड पोस्ट आप अगर करते हैं तो बिल्कुल पहुंच जाता है समय पर। अगर आपका सब्जेक्ट है, इच्छुक हैं और अदर स्टेट के कैंडिडेट 9 to 12 पीजीटी के टीचर्स के लिए बिल्कुल भेज सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, और बाकी अगर झारखंड के आप रहने वाले हैं तो यहाँ टीजीटी पीजीटी किसी के लिए भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप लोग आवेदन पत्र को भेज सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। जैसे ही और भी स्टेट की वैकेंसी आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारी वैकेंसी आई है, अब झारखंड से जो है वो वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।